भर जाए लेकिन मन ना भरे, लाजवाब देसी ट्रेडिशनल स्टाइल मटन खिचड़ा हलीम दलीम व्हाटएवर यू कॉल इज परफेक्टली फाइन। लेट मी टेल यू, दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस इफ यू कुक लाइक मी। नाउ लेट्स गेट स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, दिस साइड हुमेरा। आज हम बनाएंगे मटन खिचड़ा। हम यहाँ सबसे पहले 1 कप मसूर दाल लेंगे, ये 1 कप चाय का छोटा वाला कप है, 1 कप चना दाल, सब एक ही सारे दाले एक ही कप से लेंगे हम, 1 कप तुअर दाल, 1 कप उड़द दाल, 1 कप व्हाइट वटाना, 1 कप मूंग दाल, 1 कप ग्रीन अखा मूंग, होल मूंग दाल। अच्छे से वॉश कर लेंगे और रात भर के लिए भिगो के रख देंगे। 1/2 kg हमने यहाँ पे गेहूं लिया है, इसको भी हम अच्छे से वॉश कर लेंगे और पानी डाल के सोक करने के लिए ओवरनाइट के लिए रख देंगे। पानी साफ लेंगे क्योंकि हम यही पानी में इसको कुक करेंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग हो गया है, सब सोक हो गया अच्छे से, ये देखिए सब सोख हो गया है, फुल गया अच्छे से। अब हम उसका पानी फेंकेंगे नहीं, इसको संभाल कर रखेंगे। अब हम उसको बॉईल करेंगे। ये बॉईल करने का प्रोसेस है, हमने यहाँ पे 1 टेबलस्पून ऑयल डाला, उसके अंदर अनियन 1, 7 ग्रीन मिर्ची और 2 ग्लास वाटर, 1 चॉप टोमेटो। बॉईल आ जाएगा तो उसके बाद हम गेहूं ऐड कर देंगे, सोख गेहूं, वो पानी के साथ ही हम डालेंगे और पानी को फेंकना नहीं है, जो सोख वाटर था हमारा। मिक्स कर लेंगे हम अच्छे से और उसको पकने के लिए रख देंगे। लो फ्लेम पे पकाए तो नीचे फिर जलेगा नहीं, अच्छे से मतलब गल जाएगा सब। कुछ आधा घंटा, आधा या 20 मिनट लग जाता है अगर न्यू कुकर हो तो। दालों को भी हम इसी तरह बॉईल कर लेंगे, सिंपल बॉईल करेंगे हम उसको, मतलब पानी भी फेंक देंगे, फिर से धोकर 2 ग्लास पानी डाल देंगे हम इसमें, और कुछ नमक डालना नहीं है, पानी डाल के हमको जस्ट बॉईल कर लेना है बस, जिसे हम दाल गला लेते हैं। यहाँ हमारा गेहूं और दाल दोनों भी गल गए अच्छे से। अब हम इसको हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर देंगे, अगर आपके पास दाल घोटनी हो तो आप उससे करें या ग्राइंडर यूज करें। तो गेहूं के लिए हमने 4-5 राउंड लिया था और दाल के लिए सिर्फ 2। ज्यादा पतला नहीं करना है हमें, थोड़ा सा मुंह में मतलब चंक्स आने चाहिए। अब यहाँ पे मटन प्रिपरेशन कर लेंगे हम। 6 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे, जीरा डालेंगे, मटन का कोरमा बना रहे हम इधर, तेज पत्ता, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, 3 टेबल स्पून लाल मिर्ची पाउडर, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर। उसको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। मसाला नीचे ना लगे तो 1 ग्लास पानी डाल देंगे ताकि वो अच्छे से रोस्ट हो जाए। इतना रोस्ट करना है कि घर में पूरी खुशबू फैल जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे बॉइल मटन। बॉइल मटन मेरे सारे वीडियो में है कैसा बॉइल करते हैं, फिर भी मैं बता देती हूँ। हम मटन लेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, नमक डालेंगे, हल्दी डालेंगे और 2 प्याज डाल के मटन को बॉइल करेंगे। मटन कौरमा हम 15-20 मिनट के लिए पका लेंगे। जब कौरमा पूरा रेडी हो जाएगा तब हम इसमें एड ग्राइंडेड पेस्ट डाल देंगे जो हमने हैंड ब्लेंडर से पीसा था। गेहूं और दालें दोनों भी हम डाल देंगे पीसी हुई, ज्यादा बारीक नहीं रखना है, थोड़े से चंक्स आने चाहिए मुंह में। गरम पानी डाल देंगे हम 3 ग्लास, थ्री टेबल स्पून नमक डालेंगे। नमक आप अपने हिसाब से डालें क्योंकि बॉईल में अलग था और मटन में अलग था, अब ये पानी डाले तो नमक डाले। 2 टेबल स्पून हमने इमली का पल्प लिया है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बी केयरफुल हो गए ताकि गोश्त ना टूटे। मिक्स होने के बाद हम आधे घंटे के लिए कुक होने के लिए रख देंगे मीडियम फ्लेम पे या लो फ्लेम पे, और बीच बीच में इसको हिलाते रहेंगे ताकि वो नीचे लगे ना और जरा भी जले ना।
ये देखिए हमारा बन के रेडी हो गया है। हम यहाँ फ्रेश पुदीना, कोथमीर लिया है और नींबू लिया है और यहाँ पे फ्राइड अनियन ब्रिस्टा है घर का बना हुआ। अब हम सर्विंग डिश में इसको निकाल लेंगे। उसको गार्निश कर लेंगे सम फ्रेश कोरिएंडर मिंट लीव से, ब्रिस्टा फ्राइड अनियन और लेमन स्क्वीज कर देंगे। आपको फर्स्ट बाइट में ही इसका अंदाजा हो जाएगा कि ये कितना यम्मी बना है। और अगर ईद के बाद इतना गोश्त घर में हो और उसमें से एक डिश खिचड़ा ना बने ना, तो फिर ईद का कुछ मजा ही ना है। तो आप जरूर ट्राई कीजिए, फीडबैक दीजिए कमेंट में और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों रिश्तेदारों में लिंक को शेयर कीजिए। सब्सक्राइब बेल आइकन पर प्रेस। अल्लाह हाफिज़।